अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें समझना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो उसे पहले समझने की बहुत जरूरत होती है। उसे समझे बिना आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सैंपल्स पर। मैं हूँ लक्ष्मी नारायण। आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक। थोड़ा बेसिक बहुत जरूरी होता है हर टॉपिक के लिए, क्योंकि बिना बेसिक के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत समस्या होती है। अगर हम कोई भी क्वेश्चन लेके चलते हैं तो वह हम आसानी से उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक एक ऐसी चीज है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैथ में, रीजनिंग में, या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी टॉपिक हो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले बराबर की पीढ़ी देखते हैं। बराबर की पीढ़ी में कौन कौन आता है? हमारी पीढ़ी में कौन आ जाएगा? भाई, बहन, जीजा, भाभी, पत्नी, चचेरा, चचेरा भाई, चचेरा भाई, चचेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन। ये कौन सी जनरेशन में आएंगी? अपनी बराबर वाली पीढ़ी में। और अपने एक पीढ़ी अगर ऊपर जाते हैं, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? माँ, पिता, चाचा, चाची, सास, ससुर, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, मामा, मामी। ये एक पीढ़ी ऊपर आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? एक पीढ़ी ऊपर। अगर इससे एक पीढ़ी और ऊपर जाते हैं तो उसमें कौन कौन आएगा? तो सबसे पहले तो आएंगे दादा, दादी, नाना और नानी। ये कौन सी पीढ़ी आ जाएगी? एक पीढ़ी और ऊपर, यानी कि तीसरी पीढ़ी में आ जाएंगी। अब एक पीढ़ी नीचे आती है तो इसमें कौन कौन आता है? एक पीढ़ी नीचे आएंगे, इसमें आएंगे अपने बेटा है, बेटी है, भांजा है, भांजी है। ये एक पीढ़ी नीचे आ गई। अगर और नीचे आते हैं, एक पीढ़ी और नीचे, यानी कि दो पीढ़ी नीचे आते हैं, तो यहां कौन कौन आएगा? नाती, नातिन, पोता, पोती। यानी कि अपन दो पीढ़ी अगर नीचे आते हैं तो जब तक अपन लोग बूढ़े हो जाएंगे। तो ये है अपना रिलेशन। अब हमने ये तो सीख लिया कि हमारी बराबर की जनरेशन में कौन आएगा, एक पीढ़ी ऊपर कौन आएगा, और एक और पीढ़ी यानी कि दो पीढ़ी ऊपर कौन आएगा, एक पीढ़ी नीचे कौन आएगा और दो पीढ़ी नीचे कौन आएगा। तो ये हमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में हमने सीख लिया है। अब आइए देखते हैं, इसे क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसे किस तरह से लिखेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है राम मोहन के पिता हैं, यानी कि पिता ऊपर आएगा और बेटा नीचे आएगा, तो इस तरह से लिखेंगे इसे। राम ऊपर आ जाएगा और मोहन है वह नीचे आ जाएगा। तो मोहन के पिता कौन है? राम, यानी कि एक जनरेशन ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर है। यहाँ पे ये जो बीच में ये जो लाइन है, यहाँ पे हम पिता को भी डिनोटेट कर सकते हैं, पिता भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और हम
हमें पता है ये स्त्रीलिंग स्त्री है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है, तो पुरुष के लिए हम क्या लिखेंगे, पुरुष के लिए हम प्लस लगाएंगे और स्त्रीलिंग के लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस। यदि हमें कपल्स निर्धारित हैं, यानी कि शादीशुदा कपल्स हैं, तो उनके लिए हम ये प्लस माइनस में गोला लगा देंगे। यदि कपल मालूम है हमें, कपल पता है, तो स्त्री के लिए क्या करेंगे, माइनस सर्कल के अंदर बंद कर देंगे इसे, और पुरुष के लिए क्या करेंगे, प्लस से डिनोटेट करते हैं पुरुष को, उसे सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। ये है कपल के लिए। और यदि कपल नहीं पता है हमें, तो ये सर्कल नहीं रहेगा अपना, प्लस और माइनस ही रहेगा। अगर कपल फाइंड आउट है तो हम उसे सर्कल में रखते हैं। इससे हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही आसानी होती है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है उसे समझने में। ए और बी बहने हैं, आर और एस भाई हैं, आर ए का भाई है, तो बताइए कि बी एस का कौन लगेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी बहनें दी हुई हैं, ए और बी एक ही पीढ़ी की हैं ये दोनों, और इनका लिंग भी निर्धारित है। ए और बी कौन है, बहनें। अगर लिंग निर्धारित है हम, तो उसे भी चिन्ह लगा देंगे, महिला के स्त्री लिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस। आर और एस कौन है, भाई। आर और एस कौन है, ये भाई है, तो पुरुष के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस। तो अब इसमें कह रहा है कि आर ए का भाई है, कौन है, आर ए का भाई है, आर ये आर है, ये ए का भाई है, यानी किसका भाई है, ए का, कौन है, आर। जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे हम आगे लिखते हैं, और जिसका संबंध जिससे बता रहा है उसे हम कहां लिखते हैं, पीछे। यानी कि ए का भाई कौन है, आर। आर के बारे में कहा जा रहा है कि आर ए का भाई है। तो अब इसमें बता रहा है, इसमें पूछ रहा है, तो बताइए कि बी का एस से बी एस का कौन लगेगा। तो ये जो बी है, ये बी एस की क्या संबंध है, बी और एस का। यदि ये दोनों बहन बहने हैं, ये दोनों भाई हैं, तो ये इस तरह से नहीं हो जाएगा, ये बहन है, ये भी बहन है, ये एक ही पीढ़ी में है सभी, ये भाई भी एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे, बहन भाई एक ही पीढ़ी में आते हैं। अगर ये दोनों भाई हैं, भाई बहन है, यानी कि आर भाई है ए का, तो ये भी बी का भाई हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी का भाई एस। यानी कि इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी एस का कौन लगेगा, बी के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हमें ये बी के बारे में पूछ रहा है या एस के बारे में, तो बी एस का कौन लगेगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी जो है एस के साथ किस प्रकार संबंधित है, बी एस के साथ किस प्रकार संबंधित है, एस की कौन लगेगा बी। तो ये दोनों अगर ये भाई, ये बहने हैं, ये भाई भाई हैं, तो ये चारों बहन भाई हो जाएंगे, तो ये एस की कौन हो जाएगी, बहन। क्या संबंध हो जाएगा इनका, बहन का। कह रहा है बी का भाई ए है, बी का पिता सी है, और बी की माता ई। ए और डी भाई है, तो ई का सी से क्या संबंध है। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला है, बी का भाई कौन है, ए। यानी कि इसे सबसे पहले दिया है हमें बी का भाई कौन है, ए। इसका लिंग निर्धारित है, जी हाँ ए है भाई, लेकिन बी का नहीं है। अब आगे दिया हुआ है हमें डी का पिता सी है। अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं ये इसकी ए की बहन है या भाई है, ये हमें अभी निर्धारित नहीं है। अब आगे कहा है डी का पिता सी है, यानी कि जो डी का पिता है, ये पिता है तो ऊपर जाएगा, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। डी का पिता कौन है, सी।
तो सी पिता है, इसका भी लिंग निर्धारित है, तो इसे प्लस किया, इसका भी लिंग निर्धारित नहीं है। अब आगे कहता है बी की माता ई है, यानी कि बी इसकी माता कौन है, ई। तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, ये माँ ऊपर आएगी एक पीढ़ी, तो ये इसका लिंग निर्धारित है, तो इसे माइनस से करेंगे, माइनस लगा दिया। ए और डी भाई हैं, यानी कि ये ए और डी ये दोनों कौन है, भाई। ये दोनों का संबंध क्या है, भाई का, तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब ई का सी से क्या संबंध है, यानी कि ई सी की कौन लगती है, तो ई है वह सी से किस प्रकार संबंधित है, ई का संबंध बताना है सी के साथ, यानी कि ये ई सी की कौन लगेगी। यदि ये भाई है इसका, ये दोनों भाई हैं, लेकिन बी का लिंग निर्धारित अभी भी नहीं, ये लड़का है या लड़की है, लेकिन है तो ये ई की संतान, और ये इसकी पिता है सी, और ये कौन है, इनकी माता है, तो ये दोनों कपल हो जाएंगे, सी और ई कपल हो गए, तो इनको हमने एक सर्कल के अंदर बंद कर दिया। यदि हमें कपल पता चल जाता है तो उसे हम सर्कल के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये दोनों कौन हो जाएंगे, पिता पति पत्नी, तो ई है वह सी की कौन हो जाएगी, पत्नी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप रक्त संबंध ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पूरा देखना है आपको, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और यदि आप वास्तव में ही कुछ सीखना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, वास्तव में ही ब्लड रिलेशन सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री टाइम में इस वीडियो को देखें। अगर फ्री माइंड से आप इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप 99.9% ब्लड रिलेशन बनाना सीख जाओगे। अगर कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से बना सकोगे। बस आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो पूरा शुरू से लेके एंड तक देखना है, स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत से क्या है कि वीडियो को थोड़ा सा समझ में नहीं आता है तो आगे बढ़ जाते हैं, फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जो बेसिक होता है वह हम शुरू में ही बता देते हैं, और भी थोड़ा बहुत रह जाता है, छूट जाता है, उसे हम आगे बताते जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि बी की माँ ए है, सी ई का बेटा है, डी ई का भाई है। यदि ई बी की बेटी है और बी डी की माँ है तो डी की नानी कौन है, हमें डी की नानी पता लगाना है कि डी की नानी इनमें से कौन है। तो शुरू में हमें क्या दिया हुआ है, बी की माँ ए है, यानी कि बी की माँ कौन है, ए। इसका लिंग निर्धारित है तो इसे माइनस किया, इसे हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, यहां पे ए लिख दिया और यहां पर बी लिख दिया और ये लिंग निर्धारित कर दिया, ये गलत हो जाएगा अपना। ये गलत क्यों हो जाएगा, इसमें ये कहा गया है कि बी की माँ ए है, इसमें ये हो रहा है कि ए की माँ बी है, इसमें उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब सी ए का बेटा है, सी कौन है, ए का बेटा, यानी कि इसका बेटा है ये, इसका ये बी का लिंग निर्धारित नहीं है, ये स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है, लेकिन है इसी का बेटा है या बेटी है, और सी भी है वह बेटा है, किसका है, ए का, सी का लिंग निर्धारित है। डी ई का भाई है, डी है, डी वह ई का भाई है, ई का भी लिंग निर्धारित नहीं है लेकिन डी का पता है, ये पुरुष है। यदि ई बी की बेटी है, ई कौन है, बी की बेटी, बेटी एक पीढ़ी नीचे आएगी, यानी कि ये आ जाएगा नीचे ई, ई कौन है, बी की बेटी, इसका लिंग पता है, ये बेटी है तो ये माइनस किया, और बी डी की माँ है, यानी कि बी ये बी है, ये डी की माँ भी है। अब डी का नहीं पता है डी कौन है, लड़का है या लड़की है बी का, लेकिन ये पता चल गया हमें कि बी कौन है, माँ है, कौन है ये बी, माँ।
यहाँ पे ये पिता भी हो सकता था, लेकिन नहीं, इस वाले लाइन से बी डी की माँ इससे क्लियर हो गया कि ये माँ है ई और डी की। अब आगे दिया है कि डी की नानी कौन है, इसमें दिया हुआ था ई डी का भाई है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि ये भाई है, ये दोनों बहन भाई हैं। अब डी की नानी कौन है, ये दोनों बहन भाई हो गए, ये कौन है, ये हो जाएगी माँ, और ये कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा, ई और डी का कौन हो जाएगा, सी मामा, और ये कौन है, ये इसकी माँ है, डी की माँ, यानी कि माँ की माँ, माँ की माँ कौन हो जाएगी, नानी, तो डी की नानी कौन हो जाएगी, ए, ए कौन हो जाएगी, नानी, किसकी हो जाएगी, डी की नानी कौन हो जाएगी, ए, ये अपना आंसर आ गया। ये अपना टाइप टू है, ये टाइप टू में कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं संकेत वाले, यानी कि एक दूसरे का जो पर्चा कराते हैं इस टाइप में, एक पुरुष का पर्चा कराते हुए श्याम ने कहा उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है, तो श्याम का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं, एक पुरुष का पर्चा कराते हुए श्याम ने कहा, श्याम कह रहा है किसी पुरुष का पर्चा करा रहा है, ये श्याम है, किसी पुरुष के बारे में कह रहा है, ये कोई पुरुष हो गया, इसका लिंग निर्धारित है, ये प्लस है, पुरुष के बारे में कह रहा है, उसकी पत्नी यानी कि इसकी ये पत्नी है, ये पति है, उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है, यानी कि श्याम की पत्नी, ये श्याम है, इनकी इकलौती पुत्री है, यानी कि ये जो है इस पुरुष की पत्नी श्याम की कौन है, इकलौती पुत्री, अगर इसकी पत्नी की पुत्री हुई तो श्याम की भी पुत्री होगी, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं, और ये पुत्री है, यह इस पुरुष की कौन है, पत्नी, तो इसमें क्या पूछा है, श्याम का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो ये पुत्री है किसकी, श्याम की, तो इस ये एक पीढ़ी ऊपर आ जाएंगे श्याम, और ये इनकी पत्नी आ जाएगी ऊपर, इनकी ये माँ है, इकलौती पुत्री है, तो ये श्याम के कौन है, ये दामाद, लेकिन ये दामाद नहीं पूछ रहा है, ये पुरुष का नहीं पूछ रहा है कि ये श्याम के पुरुष कौन लगेंगे, इसने पूछा है कि पुरुष, पुरुष के श्याम कौन है, पुरुष के श्याम कौन लगेंगे, यानी कि ये कौन लगेंगे, यदि ये इसकी पत्नी है, ये पत्नी के पिता है, तो पिता है, तो पिता कौन होंगे इस पुरुष के, ससुर, कौन हो जाएंगे, ससुर, यदि इसकी माँ के बारे में पूछता तो माँ कौन हो जाती, सास, फ्रेंड्स ये अपनी क्लास वन थी, इसकी क्लास टू भी लेके आएंगे, आई होप आपको यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा, ब्लड रिलेशन का ये जो बेसिक था, बेसिक हमने आपको पूरा क्लियर करा दिया है, अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है, ये डाउट है, हमें ये क्लियर करा दीजिए, इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।